एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मॉर्निंग का टाइम है। मैं आई हुई थी कबीर के स्कूल, और यहाँ पे आई हुई थी क्योंकि पीटीएम थी कबीर की, और साथ में यहाँ पे इनका साइंस का एक एग्जीबिशन भी थी, और साथ में छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी था। तो बस मैं वही वेट कर रही थी कि कबीर कब फ्री होगा और कब मैं उसको लेके जाऊंगी, बिकॉज़ कबीर की आज बसेस नहीं आने वाली थी और मुझे उसको लेने भी जाना था और छोड़ने भी जाना था। तो मैंने सोचा एक साथ दोनों काम कर लिए जाएँ, क्यों अलग से जाऊँ मैं। तो एनीवेज यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे से बच्चे एक छोटी छोटी सी फैंसी ड्रेसेस में खड़े हुए हैं, और ये बड़े क्यूट लग रहे थे, और मौसम भी बहुत अच्छा था, लाइक काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आपको सारे बच्चे दिखा देती हूँ एक के बाद एक। तो मैंने सारे बच्चों का छोटा सा एक वीडियो बनाया था, और काफ़ी क्यूट लग रहे थे, और कुछ बच्चे तो एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि वो क्या बने हुए हैं। तो आप लोग इंजॉय कीजिए, और थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, और आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मींस मैंने ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर दी थी कल नाइट से। कल नाइट में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बाहर हम लोग वॉक करने गए थे, लेकिन मून बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। और व्यू वहाँ का बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है स्टार्टिंग में। आई होप कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। एंड मॉर्निंग में मैं गई थी कबीर के स्कूल, इनकी पीटीएम थी, और साथ में छोटे बच्चों की कोई एक्टिविटी भी थी। तो बस उसके बाद मैं जब घर आई तो बहुत सारे काम थे, तो मैं दिन भर कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो इवनिंग में अभी फाइनली हो रहा है टाइम अराउंड 6:30 का, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना डिनर प्रिपरेशन। तो आज मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल बना लिया जाए, तो इसलिए आई एम थिंकिंग कि आज बिरयानी बना ली जाए। तो आप लोगों के साथ शॉर्टकट में थोड़ी थोड़ी रेसिपी शेयर करूँगी, मीन्स लंबी सी रेसिपी शेयर करके आपको बोर नहीं करना चाहती मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँ वो शॉर्टकट में करूँ, लेकिन आपको सारी समझ भी आ जाएगी ईजीली। तो मैं बहुत ईजी तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, और आप लोग मुझे बताने कि आप लोगों को कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब मैं चलती हूँ आपको किचन में लेके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने चावल भिगो के रखे हैं, जो कि है ये बिग वाला चावल, लेकिन ये बासमती राइस नहीं है, ये है आई डोंट नो, मैं भूल गई इसका नाम, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर मुझे याद आ जाएगा तो। तो ये राइस मैंने भिगो दिया है बिरयानी के लिए बिफोर हाफ एन आवर, और आधा घंटा हुआ है इस चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है, दही डाला है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, आधे कप के करीब मेरे पास दही था, जिंजर गार्लिक का एक चम्मच पेस्ट है, साथ में मिर्ची है, साथ में धनिया है, और चिकन मसाला है जो मार्केट वाला चिकन मसाला होता है।
उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और यहाँ चलते हैं, इस कढ़ाई में आई एम गोइंग टू कुक चिकन और फिर लेयरिंग भी हम इसी कढ़ाई में करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने पानी को अच्छे तरीके से बॉयल कर रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने सारे जो भी खड़े गर्म मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। अब मैं इसमें राइस डाल दूँगी क्योंकि राइस को ऑलरेडी हाफ एन आवर हो गया है भीगे हुए। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो ब्लॉग पूरा देखना गाइस। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर ली थी 4 to 5 अनियंस, और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक के पेस्ट के लिए थोड़ा सा गार्लिक भी पील कर लिया था, जिंजर भी चॉप कर लिया था, 2 टमाटर लिए थे, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ली थी। तो ये सारी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी पहले से करके रख ली थी। और फिर मैंने यहाँ पे देखिए राइस भी डाल दिए थे पानी में, तो राइस को भी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसमें खूब सारा सॉल्ट भी डाल दिया था बिकॉज पानी जब हम रिमूव कर देंगे तो राइस का जो टेस्ट है वो सॉल्टी हल्का सा होना चाहिए। और इसके बाद जस्ट मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी बिरयानी, और इसी में मैं करूंगी लेयरिंग। तो बस मैं इसमें ऑयल डालूंगी एंड देन सारी ये चीज़ें, प्याज को सबसे पहले फ्राई करूंगी, फ्राई करने के बाद इसमें चिकन डालूंगी और फिर उसको भी फ्राई करूंगी टिल की जब तक वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने अनियन डाल दी थी और जो कि काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था चिकन, और चिकन को जब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से पक ना जाए, अच्छे से लाइक इसके पीसेस अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मीनवाइल मैं चिकन पका रही थी और साथ में मैंने जो टमाटर और ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक को भी पीस लिया था, और उसका पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया था जिसका मैं वीडियो बनाना आई डोंट नो कैसे भूल गई। तो देखिए यहाँ पे चिकन पक्के हो गया था ऑलमोस्ट रेडी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था जिंजर गार्लिक और टमाटर वाला जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था, और कुछ देर बाद ये ऑलरेडी पक चुका था अच्छे तरीके से। और इसके कुछ पीसेस मैंने सेपरेट कर दिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिरयानी नहीं खानी थी, उनको चिकन की जो ग्रेवी वाली करी होती है वो खानी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पीसेस सेपरेट निकाल लिए थे, थोड़ा सा मसाला भी निकाल लिया था, और इनको मैं सेपरेटली पका रही थी बिकॉज ग्रेवी के लिए और बिरयानी के लिए मैं चिकन को सेपरेट पका रही थी। तो हाँ जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई को बिल्कुल खाली कर दिया था, वो चिकन ऑलरेडी अच्छे से पक चुका था, तो मैं लेयरिंग के लिए कढ़ाई को रेडी कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिए थे राइस, और एक के बाद एक लेयर नहीं लगाई थी मैंने, बस जस्ट राइस डालने के बाद सेकेंड चिकन डाल दिया था इसके ऊपर से। और ये जो बिरयानी आप इस तरीके से बनाते हो ना, तो ये फटाफट ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो भी टाइम लगता है वो प्रिपरेशन में ही लगता है। तो फाइनली इस तरीके से मैंने लेयर कर दिया है, और ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं डबल ट्रिपल लेयर करूं, और बस मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया था हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद डाल दिया था जो भी हमारा पानी बचा हुआ था राइस का, वो वाटर मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब ऐड कर दिया था। क्वान्टिटी राइस की जितनी भी होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें ऐड करना होता है। साथ में मैंने डाल दिया था 2 से 3 चम्मच करीब घी, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। और लास्ट में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा फूड कलर, जो कि रैंडमली कहीं कहीं ही डालना है, जब हम राइस को लास्ट में मिक्स करेंगे तो ये फूड कलर चारों तरफ फैल जाता है। और लास्ट में डाला था थोड़ा सा बिरयानी मसाला, आप चाहो तो इसकी जगह गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, दोनों में इक्वली खुशबू आती है। और देखिए यहाँ मैंने लिड को कवर कर दिया है, और इसमें मैं रख दूँगी जो कोई भी हैवी वेट आप रख सकते हो। फाइनली हमारी बिरयानी बन के हो गई रेडी, और इसमें लगे हैं 10 to 15 मिनट, बिल्कुल स्लो गैस पे आपको पकाना है, और आप चाहो तो इसमें तवा रख के भी, तवे के ऊपर आप कढ़ाई रख सकते हो, तो मैं तो डायरेक्टली ही पकाती हूँ। और यहाँ पर देखिए बिरयानी को मैंने राइस को कर दिया है मिक्स, और यू कैन सी ये कितनी खिली खिली और कितनी अमेजिंग दिख रही है, और जितनी अमेजिंग दिख रही है उतनी खाने में भी थी। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना और बना के देखना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे बनी। आप इस तरीके से चाहो ना तो वेज बिरयानी भी बना सकते हो, एग बिरयानी भी बना सकते हो, चिकन बिरयानी भी बना सकते हो। तो गाइस फाइनली ये था इसका फाइनल लुक, और कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर एंड ज़रूर बताना। तो दोस्तों बिरयानी के साथ साथ यहाँ चिकन की ग्रेवी भी रेडी हो गई थी, जिसकी क्वांटिटी काफ़ी कम थी क्योंकि मैं हस्बैंड को ही खानी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया, और साथ के साथ मैंने ग्रेवी में भी हरा धनिया ऐड कर दिया था, तो इससे काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा था। और जो भी लोग ट्राई करते हो ये रेसिपीज़, प्लीज़ ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि कैसा बना। और फाइनली यहाँ पर देखिए मैंने कबीर के लिए निकाल दी थी बिरयानी, और निकाल तो मैं कबीर के लिए रही थी, लेकिन मैंने साथ में भी कबीर के साथ मैंने भी खाया था, इसलिए क्वांटिटी अच्छी खासी निकाल ली थी, क्योंकि मुझे पर्सनली बिरयानी बहुत पसंद है। और आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट्स में। और यहाँ पे देखो ये छोटा बाबूजी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग बेबी, क्या कर रहे हो?
ओ, आपका फेवरेट फ्रूट आया है। ओपन इट। वाह, ये तो बहुत रेड रेड है भाई। कबीर को बहुत पसंद है ना, मम्मा से शेयर करोगे? हाँ तो दोस्तों, कबीर को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, बिकॉज़ बिस्किट्स भी वो स्ट्रॉबेरी वाले खाता है और आइसक्रीम भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली ही खाता है। तो एनीवेज गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करने वाली हूँ, और देखिए इसकी खुशी को देखिए ज़रा। और हाँ जी, जिन लोगों को भी आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।